हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद शर्मा और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल गुरुजी इन एक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों की ही फरमाइश पे आज मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट में आप क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी कर सकते हो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी ना ले जाएं, वरना हो सकता है या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपके उस सामान को जब्त करके आपके सामान को डस्टबिन में थ्रो कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ही वापस घर भेज दें। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा और मेरा ये वीडियो पूरे देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ले जा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लाइट हो या डोमेस्टिक फ्लाइट हो, इसमें दो तरीके के बैगेज अलाउ होते हैं। जैसे कि पहला होता है चेक इन बैगेज, जो कि आपके साथ केबिन में नहीं होता है, वो होता है हमारी फ्लाइट के ही पिछले हिस्से में, जो बिल्कुल सेफ से रहता है। और दूसरा होता है आपका केबिन लगेज, जो कि आप ही के साथ जाता है आपकी सीट तक, यानी कि आप उसे अपने सीट के ऊपर दिए गए स्पेस में आप उस सामान को रख सकते हो बिल्कुल हिफाजत से, और उसमें 7 किलो तक अलाउ भी होता है। तो आपको बता दूं पहले कि चेक इन बैगेज में अलाउ कितना होता है। चेक इन बैगेज में कोई फ्लाइट 15 kg से लेकर कोई फ्लाइट 20 kg तक भी अलाउ करते हैं। केबिन लगेज जो होता है वो सारे ही मैक्सिमम फ्लाइट में आप अगर देखोगे तो वो सिर्फ 7 kg ही अलाउ होता है। हालांकि वो बैगेज जो है कोई तोलते नहीं हैं, उसका कोई वेट नहीं किया जाता है, तो आप 8 kg भी 9 kg भी ले जा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आप चेकिंग लगेज में और हैंड लगेज में क्या क्या सामान नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो केबिन तक जो सामान लेकर जाने वाले हो, यानी कि आपका जो हैंड लगेज है, आपका जो केबिन लगेज है, उसमें क्या क्या सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि हैंड लगेज में आप नहीं ले जा सकते हैं 100 ml से ऊपर कोई भी लिक्विड। यदि आपके पास में कोई डिओड्रेंट है, यदि आपके पास में कोई परफ्यूम है, यदि आप अपने किसी खाने का कोई ऐसा सामान लेकर जा रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो 100 ml से ऊपर है तो वो आप अपने केबिन लगेज में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। यहाँ तक कि आप पानी की बोतल भी अपने हैंड लगेज यानी कि केबिन लगेज में बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि 100 ml से ऊपर किसी भी फ्लाइट में आपको कोई भी लिक्विड ले जाना अलाउ नहीं है। दूसरा जो कि हैंड लगेज में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप अगर सोचते हो कि आप अपने शेविंग किट के लिए कोई सेजर ले जाओ, कोई ब्लेड ले जाओ, या कोई ऐसा कोई रेजर ले जाओ जो कि काफ़ी शार्प हो, या फिर आप हो सकता है कि कोई छोटा सा कोई नाइफ ले जाओ, तो ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है आपके हैंड लगेज में। ऐसे तो कई फ्लाइटों में 4 इंच तक आप ले जा सकते हो, पर मैंने देखा है मैक्सिमम फ्लाइट में 4 इंच तक भी आपको ले जाने से मना करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, यदि आप लेकर जाते हो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है वो हैंड लगेज आपका जब चेक होगा तो वहाँ पर वो सामान निकाल कर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जब्त करके उस सामान को डस्टबिन में गिरा दिया जाए, तो ये आपका लॉस हो सकता है। इसलिए पहले से ही उसे अपने चेक इन लगेज में रख ले, क्योंकि चेक इन लगेज में आप ये सामान ले जा सकते हो, छोटा मोटा कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले जा सकते हो। तीसरा वो ये है कि आप अपने साथ हैंड लगेज में कोई भी स्पोर्टिंग इक्विपमेंट यानी कि कोई भी खेल से जुड़ी कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते हो, जैसे कि बेसबॉल बैट होता है, जैसे कि हॉकी स्टिक होती है, जैसे कि एरो होता है, ये कोई भी सामान आप अपने साथ हैंड लगेज में केबिन के अंदर नहीं ले जा सकते हो। इसके बाद चौथा मैं आपको बता दूं, जो कि आप सभी जानते भी हो कि हर एक फ्लाइट में गन्स ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। गन से नहीं बल्कि किसी भी तरीके का कोई भी वेपन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इससे आप कृपया बचें और कोई भी ऐसा गलत काम या कोई भी ऐसा गन या कोई भी वेपन अपने साथ ना ले जाएं जिससे कि आपको फ्लाइट में दुविधा हो। इसके बाद जो आइटम है वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है फ्लाइट में ले जाना, जैसे कि सेल्फ डिफेंस आइटम। सेल्फ डिफेंस का कोई भी आइटम आप अपने साथ केबिन में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि लड़कियां अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे अपने साथ रखते हैं, तो मैं
खासकर मेरे सभी लड़कियों व्यूवर्स को कि आप ऐसा कोई भी सेल्फ डिफेंस आइटम, पेपर स्प्रे जैसा कोई भी आइटम अपने साथ केबिन में नहीं ले जा सकते हो। उसके बाद जो सामान है वो है, आप कोई भी टूल्स अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, जैसे कि हैमर हो गया या ड्रिल मशीन हो गई, ऐसा कोई भी सामान आप अपने हैंड लगेज में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि ये कोई वेपन नहीं है, पर फिर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी और फ्लाइट अथॉरिटी द्वारा ये सारे ही चीज़ें बैंड किए गए हैं कि आप उसे अपने लगेज में ले जा नहीं सकते हैं, यानी कि हैंड लगेज में नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद जो सामान आता है वो होता है लाइटर, मैच बॉक्स या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो भी कि आप यहाँ से ले जाना चाहते हो। हो सकता है मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो सिगरेट पीने के शौकीन हो, तो उन्हें बता दूं कि आप लाइटर या मैच बॉक्स अपने साथ बिल्कुल भी फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यदि आपको लाइटर या मैच बॉक्स के साथ पकड़ा गया तो हो सकता है कि आपको वो सामान अथॉरिटी को देना पड़े ताकि वो लोग उस सामान को डिस्ट्रॉय कर सकें या फिर उस सामान को डस्टबिन में थ्रो कर सकें, या फिर वो आप ही को बोलेंगे कि सर कृपया इस सामान को आप डस्टबिन में डाल दें क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ्लाइट में ले जाना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो सारे फ्लाइट्स में जो है खाना ले जाना अलाउ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ़्लाइट का खाना बिल्कुल ही बकवास होता है और हम सभी हमारे घर से खाना ले जाना पसंद करते हैं, पर इसमें भी कुछ एक जगह पर रोक लगी है। जैसे कि आप खाना ले जा सकते हो सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि आप कोई नमकीन ले जाना चाहते हो या कोई भी आप चपातीज ले जाना चाहते हो, वो सब आप ले जा सकते हो क्योंकि वो एक सॉलिड फॉर्म में है, पर आप लिक्विड फॉर्म में कम से कम ले जाने की चेष्टा करें, क्योंकि हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म जो कि आप अपने घर से बहुत ही मेहनत से बनवा के ले जा रहे हैं उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वो निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिया जाए। तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कहीं पे किसी के साथ होता है, तो मैं चाहूँगा आप भी ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें ताकि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। तो अगर खाने के लिए कुछ भी ले जाते हो तो सॉलिड फॉर्म में मैक्सिमम लेके जाइए, और अगर आप ब्रेड के साथ बटर ले जाना चाहते हो तो बटर सिर्फ 100 ml तक ही लेके जाइए। इसके बाद मैं लेडीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि देखिए फ्लाइट में नेल पॉलिश ले जाना भी अलाउ नहीं है। हालांकि नेल पॉलिश ले जाना अलाउ है, पर आप अगर सोचते हो कि हम नेल पॉलिश निकाल लें और फ्लाइट में उसे लगाना शुरू कर दें तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही उनके जो गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि नेल पॉलिश की जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और जहां पर आप बैठ कर अगर नेल पॉलिश लगाने की सोच रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो स्मेल जो है वो पूरे फ्लाइट कंपार्टमेंट में हो जाएगी और उससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होगी, जिस वजह से वो लोग कंप्लेन करेंगे एयर होस्टेस को, और एयर होस्टेस आकर आप पर शायद थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ मैं दोस्तों को ये भी बता दूं कि आप अगर सोचते हो परफ्यूम या डीओ ले जाना, तो परफ्यूम या डीओ का मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि मैं यहां से डीओ लेकर गया था, तो इंडिया से जब मैं जा रहा था तब तो मुझे किसी ने नहीं रोका, डीओ मुझे अलाउ कर दिया गया, पर वहां से जब मैं वापस आ रहा था, जब मैं थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट से जब वापस आ रहा था, वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है, और अगर आपके बैग में परफ्यूम या डीओ मिलता है तो उसको हाथों हाथ निकाल कर ही डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपका अगर परफ्यूम और डीओ अगर बहुत ही कॉस्टली है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उसे आप अपने चेक इन बैग में ही रखें, क्योंकि वहां पर वो चीज़ें अलाउ है। तो दोस्तों ये कुछ सामान थे जो कि आप अपने हैंड लगेज में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में। अब मैं आपको बता दूं कि चेक इन लगेज में आप क्या कुछ नहीं ले जा सकते हो। तो दोस्तों चेक इन लगेज में जो सबसे पहला चीज़ है जो आप नहीं ले जा सकते हो वो है पावर बैंक। किसी भी कंपनी का या किसी भी तरीके का पावर बैंक जो है वो आप अपने चेक इन लगेज में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप अपने चेक इन लगेज में वो सामान डालते हैं और वो जब स्कैन में सामने आता है कि आपके बैग में पावर बैंक है, तो जब आप चेक इन करोगे उस समय में आपको बता दिया जाएगा कि आपके बैग से पावर बैंक जो है वो निकाल लीजिए और उसे हैंड बैग में रख लीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पावर बैंक ऐसी चीज़ है जो कि एक बैटरी से चलती है, और बैटरी कभी भी ब्लास्ट या कभी भी उसमें आग लगने का खतरा रहता है, उस वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे आपके चेक इन बैगेज में नहीं जाने देते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है वो है कोई भी तरीके का, जैसे कि कोई भी एक सामान जो कि बैटरी से चलता हो, वैसा कोई भी सामान आप अपने चेक इन लगेज में नहीं ले जा सकते हो। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें लेकर जाना चाह रहे हो कि जो कि आपकी बैटरी से चलती हो, तो ऐसा कोई भी सामान अपने चेक इन लगेज में ना डालें जिससे आपको परेशानी हो और आपको एयरपोर्ट पर अपना बैग खोल कर वापस से वो सामान निकालना पड़े। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे
कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैं किस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनाऊं, ये ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।